अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं Redmi Note 9 को, जो कि पाकिस्तान में इसकी सीरीज़ लॉन्च होने जा रही है, यानी कि Redmi Note 9 और Redmi Note 9 Pro। तो आज हम सिर्फ अनबॉक्स करेंगे Redmi Note 9 को। ये फ़ोन चाइना के अंदर Redmi 10X के नाम से लॉन्च किया गया है, तो सेम उसी वाले फ़ोन को हम अनबॉक्स करने वाले हैं। तो अगर हम इस फ़ोन के बॉक्स को ओपन करते हैं, टॉप पे आपको एक मिनी बॉक्स मिलता है, उसके नीचे आपको फ़ोन देखने को मिल जाता है। अगर हम उसके नीचे देखें, एक कार्ड दिया गया है जिसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाती हैं और इसकी टाइप सी केबल और अडाप्टर देखने को मिल जाता है, जो कि 18 वाट का है। अगर हम इसका मिनी बॉक्स ओपन करें, डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं और उसके साथ आपको एक हाई सिलिकॉन का बैक कवर देखने को मिल जाता है, जो कि सेम इसके Redmi Note 9S की तरह है, लेकिन और इसका जो क्वाड कैमरा सेटअप है वो थोड़ा होल बड़ा आपको देखने को मिल जाता है। अच्छी क्वालिटी वाला ये कवर है। अगर हम फ़ोन निकालें तो इसकी राइट साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम की बटन देखने को मिल जाते हैं, और ऊपर की तरफ आपको इंफ्रारेड सेंसर और माइक वगैरह देखने को मिल जाता है, और लेफ्ट साइड पे आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। अगर हम नीचे की तरफ देखें तो इधर आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक, टाइप सी और माइक और स्पीकर देखने को मिल जाता है। तो बैक साइड पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया और उसके नीचे फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल जाता है, जबकि Redmi Note 9S जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है, और Redmi Note 9 Pro के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर की जगह LEDs देखने को मिल जाती हैं, और फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको साइड वाले बटन में दिया गया है। ये इसमें अजाफी एक फीचर है, जो कि आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पे देखने को मिल जाता है। अगर हम इसकी सिम ट्रे निकाल कर देखें, इधर आपको फुल सिम स्लॉट वाली ट्रे दी गई है, 2 SIM 1 SD कार्ड आप एक टाइम पे यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी की स्पेसिफिकेशन की बात करें, इस फोन में आपको IPS LCD वाला डिस्प्ले मिलता है 6.53 इंच का फुल HD के साथ। गोरिल्ला ग्लास 5 की सपोर्ट है फ्रंट पे। एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाता है इस फोन में, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट फोन है जिसमें आपको MediaTek का G85 वाला चिपसेट मिल जाता है। 12 nm पर बेस्ड है और गेमिंग चिपसेट है, काफ़ी अच्छा जो चिपसेट है। इसमें कोर्स A75 वाले यूज़ किए गए हैं, और GPU इसमें आपको माली का G52 वाला देखने को मिल जाता है। ये फ़ोन डिफरेंट स्टोरेज और रैम के साथ लॉन्च किया जाएगा। ये देखते हैं पाकिस्तान में किन रैम और स्टोरेज के साथ आता है। 4 GB रैम, 128 GB स्टोरेज और 3 GB रैम, 64 GB की स्टोरेज आपको मिल सकती है। 4 कैमरे बैक पे मिलेंगे, 48 MP का मेन कैमरा होगा, 8 का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो, 2 का डेप्थ सेंसर। फ्रंट पे 13 MP का आपको कैमरा मिलेगा पंच होल। अब सीज में आपको दी गई है USB 2.0 के साथ। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको बैक पे मिल जाएगा। 5020 mAh की बैटरी और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है। ये फोन आपको 3 कलर में देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट ग्रीन कलर होगा एक इसका, मिडनाइट ग्रे और पोलर व्हाइट कलर में ये फोन आने वाला है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।